नमस्कार जनाब, आप सभी का स्वागत है ब्लॉग टुडे के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आया हूँ अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया, और इन शॉर्ट इसको बोल सकते हो गया मेडिकल कॉलेज में भी, गया मेडिकल कॉलेज इन शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं। तो अभी मैं आज आया हुआ हूँ गया मेडिकल कॉलेज, और आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक कैंपस का मतलब प्रशासनिक भवन है, और प्रशासनिक भवन से गार्ड साहब है मेरे साथ। और गार्ड साहब से पूछने के बाद जो हमको पता लगा कि ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं बिल्डिंग, ये एकेडमिक बिल्डिंग है, मतलब लेक्चर थिएटर है, और साइड में इधर ये भी लेक्चर थिएटर है। तो चलिए आप लोग आज टोटल इस गया मेडिकल कॉलेज का टोटल कैंपस का टूर कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन देना था आप लोग को, अगर आप लोग को कोई स्पेसिफिक कोई कॉलेज का टूर चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस कॉलेज का टूर आप लोग को करवाऊंगा। थोड़ा लेट होगा क्योंकि मैं भी एक मेडिको हूँ, तो मेरा अपना टाइम शेड्यूल के हिसाब से जब मैं फ्री रहूँगा तब मैं बनाऊँगा आप लोग के लिए। तो चलिए आप बंदे रहते चैनल पे और वीडियो को पूरा देखिएगा, और चलते हैं आप नेक्स्ट। हम जनाब ये रहा हम लोग का कॉलेज का प्रिंसिपल ऑफिस, और कुछ एंटी रैगिंग रैगिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है रैगिंग। तो मैं अभी फिलहाल ऑफिस के अंदर हूँ, और आप लोग देख पा रहे हैं सेक्शन है, और फिलहाल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन के अंदर घुस रहे हैं, और यहाँ टोटल रिकॉर्ड सेक्शन है, और फिलहाल फर्स्ट ईयर का एडमिशन उधर चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग एडमिशन के लिए आते हैं तो इसी बिल्डिंग में आप लोग को आना पड़ेगा। और ये टोटल है सेक्शन का रूम है जनाब। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं कैंपस दिखाने के लिए, हमको गार्ड साहब टोटल गाइड कर रहे हैं। तो अच्छा इसमें स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं ना, तो चलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। और चलिए आप थोड़ा बात कर लेते हैं गया मेडिकल कॉलेज के बारे में। ये कॉलेज जो बना 1969 में बना है, तो इसका लगभग 50 साल पूर्ण हो गया है। और इसके लोकेशन का अगर बात करें तो ये गया डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, जो कि पटना से आपको बिहार का कैपिटल जो पटना है वहाँ से लगभग, तो पटना से लगभग 116 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। अगर आप लोग आते हैं तो पटना पहले आइए, और पटना से आपको बाय ट्रेन और फिर बस चलती है, तो वहाँ से आप लोग आ सकते हैं जो ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हैं। और इधर मेरे साथ परितोष भाई हैं जो 17 बैच के स्टूडेंट हैं कॉलेज का। तो परितोष भाई जो जूनियर लोग आ रहे हैं उन लोग के लिए कुछ बोलना चाहिएगा। क्या बताएं, जो उनका क्लास 2 सितंबर से चालू हो रहा है, तो वो आके देखेंगे कहाँ हैं कैसे कॉलेज में हैं। भाई तो थोड़ा आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि जैसे कि हर किसी को लगता है मतलब मेडिकल कॉलेज में आने के बाद रैगिंग एक माइंड में आता है, तो रैगिंग होता है नहीं होता है, मतलब थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली हमको ही पता है आपको ही पता है कि रैगिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी जूनियर लोग जो है बहुत डरा हुआ रहता है। आने का मतलब होता है उसका रैगिंग होता नहीं, उसका स्किल डेवलपमेंट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको एज ए इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ से आए हैं नहीं आए, उसका जरूरी है नहीं जाने है तो फिर कैसे क्या बात सही है पता नहीं चलेगा। वो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह भी हेल्प करेगा जैसे बाहर के हैं, उसी का डेवलपमेंट उसी के डेवलपमेंट के लिए होता है। तो आप लोग जो जूनियर लोग आ रहे हो या फिर जो आने वाले हो एकदम डरना नहीं है, कोई भी कॉलेज में रैगिंग नहीं होता है। अभी देख लेते हैं और आगे का कैंपस भरते हुए। तो आप लोग ये जो इधर देख पा रहे हैं ये एक दूसरा नया लाइब्रेरी है सर, लाइब्रेरी है, एलटी है, लाइब्रेरी है। अच्छा लाइब्रेरी है, तो यहाँ गार्ड साहब से पूछते हुए पता लगा कि ये नया लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी इस कॉलेज का ही है। तो आप लोग फर्स्ट लाइब्रेरी का भी नज़ारा देख लीजिए क्या। तो जनाब अभी कैंपस से आगे एंट्री लेते हुए अभी कैंपस के मैं अंदर पहुँच चुका हूँ, और ये आप लोग देख पा रहे हैं वो जो डिपार्टमेंट दिख रहा है वो एफएमटी का डिपार्टमेंट है, और इधर पैरासाइटोलॉजी और क्या है, और इधर अच्छा तो इधर आप लोग जो देख पा रहे हैं इधर पैथो फार्मा और माइक्रो का डिपार्टमेंट है। और गार्ड साहब बड़ी गंभीर नज़र से देख रहे हैं, मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या कर रहे हैं गार्ड साहब, ये वीडियो बना रहे हैं आगे का जनरेशन के लिए जो आने वाला है कॉलेज का जानकारी के लिए। और तो चलिए उधर अब फिर एंट्री लेते हैं कॉलेज में मतलब कैंपस के अंदर, और चलते हैं अंदर और अंदर का व्यू देखते हैं कैसा क्या है कॉलेज का। तो फिलहाल जो है हमको परितोष भाई जो है मदद कर रहे हैं टोटल कैंपस घुमाने में, परितोष भाई के साथ स्कूटी में बैठे हुए हैं। परितोष भाई अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट में गर्ल्स हॉस्टल में फिलहाल हम लोग, मैं और परितोष भाई चल रहा हूँ गर्ल्स हॉस्टल के घर। गर्ल्स हॉस्टल में घुसना अलाउड है नहीं, तो बाहर नहीं आऊँगा। आप लोग ये जो देख पा रहे हैं बड़ा बिल्डिंग है ये गर्ल्स हॉस्टल है, और इधर नया बन रहा है। फिलहाल मैं और परितोष भाई चलते चलते आ चुके हैं कैंपस के बहुत ही अंदर, और इधर फिलहाल अभी गर्ल आप लोग जो ये देख पा रहे हैं ये गर्ल्स हॉस्टल है, और इधर भी परितोष भाई गर्ल्स हॉस्टल है क्या? हाँ, पूरा गर्ल्स हॉस्टल
तो इधर भी सीनियर गर्ल्स हॉस्टल है और इधर ये जूनियर गर्ल्स हॉस्टल है, और टोटल ये जो इधर नया बन रहा है ये भी जो है गर्ल्स हॉस्टल ही बन रहा है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, और तो आप लोग ये जो डिपार्टमेंट देख पा रहे हैं ये टोटल एनाटॉमी और एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है इधर। और इधर फ़िलहाल हम लोग अभी आगे जाएंगे, इधर ग्राउंड है और बॉयज़ हॉस्टल वगैरह है और सीनियर रेसिडेंसी और ट्रॉमा सेंटर सब कुछ है। तो चलिए हम लोग, अभी मैं ग्राउंड के पास हूँ और आप लोग शायद देख पा रहे होंगे वहाँ जो दूर में बिल्डिंग येलो कलर का दिख रहा है वो गर्ल्स हॉस्टल था, जो आप लोग तभी नज़दीक से आप लोग को बताए थे। और इधर मेरे पीछे जो आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं NBH 1 है, मतलब न्यू बॉयज़ हॉस्टल। अच्छा, ये न्यू बॉयज़ हॉस्टल 1 है। और वो जो आप लोग वो बिल्डिंग देख पा रहे हैं दूर में वाइट कलर का, जो आप लोग वाइट कलर का देख पा रहे हैं वो न्यू हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल 2 है। और साथ में यहाँ हॉस्टल के बगल में ही जो है बॉयज़ हॉस्टल के, दोनों बॉयज़ हॉस्टल के बीच में PG हॉस्टल है। तो अब थोड़ा यहाँ कॉलेज के बारे में बात करते हैं, यहाँ PG में क्या क्या सीट्स हैं। तो यहाँ PG में जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मा, पैथो, सर्जरी, गायनी और ENT का डिपार्टमेंट वगैरह है PG में। तो आप लोग, हम अभी चलते चलते आ चुके हैं, ये बॉयज़ हॉस्टल के जस्ट साइड में ही PG हॉस्टल है, रेड कलर का आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये PG हॉस्टल है। तो आप लोगों को PG हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल का टोटल इंडिविजुअल आप लोगों को क्लिप में वीडियो बना कर दूंगा, आप लोग उसके लिए चैनल पर मेरा विजिट कर सकते हैं। और वीडियो आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। और फिलहाल आप लोग वो जो ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये बॉयज़ हॉस्टल है, दूसरा बॉयज़ हॉस्टल। हम लोग पहुंच गए हैं ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल के पास, और इसमें फ़िलहाल 18 बैच का जो फर्स्ट ईयर वाला रहता है तो फर्स्ट ईयर वाले को यही हॉस्टल मिलता है। और यहाँ का कैंपस का रहे फर्स्ट ईयर का बात कर ले तो यहाँ पे बहुत उम्दा कैंपस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वृक्ष लगा हुआ है, बड़ का है, पीपल का है। और सबसे एक ख़ास बात और है कि यहाँ देखिए अंदर में भी कैंपस में बहुत अच्छा पेड़, आम का पेड़ दिख रहा होगा आप लोग को, तो अंदर भी अंडर स्कूल का मतलब बहुत ही उम्दा नज़ारा है, पूरा घर जैसा माहौल है। और आप लोग को बात करें तो आप लोग देख पा रहे हो पेड़ पे जो है येलो येलो फूल आप लोग को दिख रहा है, यहाँ का माहौल जो है बहुत ही सुहाना है। और इसी कैंपस में जो है आप लोग वहाँ ग्राउंड से निकलते हुए हम लोग यहाँ इधर आए हुए हैं, आप लोग को सभी ग्राउंड में दिखाएं। और इधर आप लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे तो ये आप लोग जो ये छोटा वाला येलो बिल्डिंग आप लोग जो देख पा रहे हैं ये प्रिंसिपल्स का कॉटेज है। तो मिला जुला के कैंपस यही है, इधर बॉयज़ ओल्ड हॉस्टल इसको तोड़ा जा रहा है। और चलिए आप लोग इधर अंदर घुसेंगे और अंदर आप लोग को दिखाएंगे अंदर क्या क्या है। अंदर में ट्रॉमा सेंटर है और डॉक्टर टीचर्स कॉलोनी है, यही वो रास्ता है जिससे हम लोग आए हुए थे, मतलब एंट्री इधर से लिए। और परितोष भाई देखिए हम लोग के वहाँ पर खड़ा हुआ है, बाइक पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। परितोष भाई को बहुत बहुत थैंक्स हमको घुमाने के लिए कैंपस को, क्योंकि परितोष भाई नहीं होते और 17 बैच के और बहुत सारे भाई लोग थे उनका तो हमको नाम पता है, लेकिन वो भाई लोग हमको बहुत ही मदद किए हैं। और स्पेशली PG का जो बॉस लोग हैं वो लोग को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि वो लोग बहुत हमको प्यार से अपना मेरा स्टोरी सुने, ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारा मदद किए, बहुत कुछ किए। तो PG वाले बॉस और जितना भी यहाँ का मेडिको है सबको बहुत बहुत थैंक यू हम। तो फिलहाल ये हम लोग कैंपस के टोटल अंदर आ चुके हैं, और अभी ट्रॉमा सेंटर का ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेरे ख्याल से 1-2 साल में जो है ये ट्रॉमा सेंटर बन जाएगा। तो ट्रॉमा सेंटर के सर बगल में ही जो है डॉक्टर्स क्वार्टर है, आप लोग ये देख रहे हैं। ये हम लोग का जो आप लोग ये देख पा रहे हैं ये धनवंतरी बॉयज़ हॉस्टल है, इसमें 17 बैच का जो है स्टूडेंट लोग रहते हैं। और इधर से हम लोग एंट्री लिए थे अगर आप लोग को याद होगा तो, ये रास्ता है। और इधर से आप लोग को फुल थोड़ा दिखाते हैं, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं उधर टोटल वाइट वाला बॉयज़ हॉस्टल है, येलो कलर का PG बॉयज़ हॉस्टल है, और उसके बगल में जो है एक सेकंड बॉयज़ हॉस्टल है, और बीच में हॉस्टल का बीच में जो है ग्राउंड है, जो ग्राउंड। तो जनाब यही था गया मेडिकल कॉलेज का कैंपस टूर, और आप लोग को कुछ और अच्छा कुछ अच्छा लगे बुरा लगे कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे कोई कॉलेज का टूर चाहिए तो आप लोग उसको भी बताइएगा। थोड़ा लाइटिंग का इशू आ रहा है क्योंकि अभी इवनिंग हो गया है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं।